हाय, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंदूर कैसे लगाना है। बहुत से लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आता है सिंदूर लगाना। बहुत लोग क्या करते हैं, भरमांग लगाते हैं। मेरा नियम है कि मैं सुबह नहा के आती हूँ, तैयार होके सबसे पहले सिंदूर लगाती हूँ। और बहुत सी जगह पे ऑरेंज कलर की सिंदूर लगती हैं, रेड कलर की सिंदूर लगते हैं, बहुत लोग लिक्विड कलर भी यूज़ करते हैं। मैं लिक्विड नहीं यूज़ करती, मैं ड्राई सिंदूर यूज़ करती हूँ। मेरी शादी यूपी में हुई है इसलिए मैं ऑरेंज भी लगाती हूँ। तीज त्यौहार कुछ भी आता है ऐसे फंक्शन, तो उस समय मैं अपने पति के हाथ से लगाना पसंद करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे सिंदूर लगाना है। ओके, ये भी मैं बालों को कंघी करूँगी और बीच में से हमें मांग निकालना है। ये देखिए, परफेक्ट बीच में है, देखिए परफेक्ट मांग निकला है। और आप देख रहे होंगे ऑरेंज लगा है, तो अभी कुछ दिन पहले तीज था, तो तीज में मेरे पति ने पूरा यहाँ तक का भर दिया था। उन्हें बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब आप लोगों को रेड कलर का सिंदूर ड्राई वाला लगवा के दिखाती हूँ। मेरा सिंदूर कोइटा है जो मेरे पति ने विश्वनाथ जी गली से खरीदा था। मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। मैं रेड कलर कलकत्ता से सिंदूर में यूज़ करती हूँ क्योंकि वहाँ की सिंदूर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस उंगली से आप लोग सिंदूर को ऐसे लगाएं। इस फिंगर से ही सिंदूर लगाया जाता है क्योंकि इससे बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी तो इसी फिंगर से आप लोगों को सिंदूर लगाना है। और आपका मन करे तो आप छोटी कर लीजिए या जूड़ा कर लीजिए या फिर बालों को इस तरीके से समेट लीजिए। बहुत लोगों को सिंदूर लगाना पसंद नहीं आता, नहीं पता, उन लोगों की अपनी चॉइस होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, और ख़ासतौर से जब कोई तीज त्यौहार हो या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भरमांग सिंदूर लगाइए। साड़ी पहनिए या सूट पहनिए या जीन्स भी पहनिए, जो कुछ भी पहनिए, अच्छा लगता है देखने में और अलग ही निखार आता है ना। तो बस आप कहीं भी जाएं या मार्केट में जाएं या कुछ भी करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऐसे सिंपल सा तैयार हो सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं और अपने लुक को बहुत निखार सकते हैं। यू नो, सिंदूर लगाने से ना चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। वो जो खुशी आती है ना, उसे मैं बयां नहीं कर सकती। लुक ही चेंज हो जाता है। आप पूरा मेकअप करके देख लो, सब कुछ करके देख लो, ब्राइडल मेकअप भी करके आप देख लो, बट लेकिन एक चुटकी सिंदूर अगर लग जाती है ना तो चेहरे पे चमक आ जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें पसंद नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी खुशी है, अपनी मर्जी है, मेरी खुशी है इसलिए मैं ऐसा लगाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।